गुड मॉर्निंग बच्चों, आज यूनिट थर्ड स्टार्ट कर रही हूँ मैं और टॉपिक है हमारा बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जैव रसायन जो हम पढ़ना है हमको। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम किस तरह से इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो जीवन के रसायन से संबंध उस रसायन शास्त्र के अंतर्गत जिसमें बहुत सारी जैविक प्रक्रियाओं में कई सारे अकार्बनिक तत्व, यौगिक ऐसे जैव तंत्र अकार्बनिक यौगिकों से जो रासायनिक और गणितीय संबंधों का हम अध्ययन करते हैं वो कहलाती है हमारी बायोइनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब यहाँ पर इसमें कई सारे हम बहुत सारे एलिमेंट्स की बात करते हैं, इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स की, उनकी स्टडी पे अभी तक रिसर्च हो रहा है। और जितने 40 जो नेचुरल फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स जो जीवित तंत्र में भी हैं उनको आइडेंटिफाई किया है। अब लोअर क्लास में भी आप सब ने एक नॉर्मल चीज़ देखी होगी कि मेटल और नॉन मेटल, केमिस्ट्री है तो हम पढ़ते ही हैं इसको, धातु और अधातु। तो धातु के एग्जांपल्स जैसे आप देख सकते हो सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम एक्सेट्रा, और अधातु में हम कहते हैं हाइड्रोजन, कार्बन, सिलिकन, नाइट्रोजन, ये सारे हैं नॉन मेटल। तो अब जो 25 एलिमेंट्स हैं जो हमारे ह्यूमन लाइफ के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं उनको हम यहाँ पर पढ़ते हैं, और कुछ जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है वो हमको यहाँ पर स्टडी करना है। अब यहाँ पे जैसे हम बात करें क्लासिफिकेशन की, तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स की, अब ऑर्गेनिक नाम से ही अपने को पता चल रहा है कि जीवित तंत्रों का मुख्य अवयव कार्बनिक पदार्थ होता है, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, और ये सब हम अपने डेली रूटीन लाइफ में भी अपने को बहुत ही ज़रूरत होती है अपने न्यूट्रिशन में। दूसरा हम बात करते हैं इनऑर्गेनिक वाले, अकार्बनिक अवयव, पूर्ण शरीर में इनकी मात्रा बहुत ही कम होती है लेकिन इनकी इम्पोर्टेंस को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अब अगर इनको क्लासिफिकेशन हम करें तो क्लासिफिकेशन इस तरीके से होता है, इसमें एक तो एसेंशियल और एक नॉन एसेंशियल, मींस अनिवार्य तत्व, अर्थात हमारे शरीर में इनका होना बिल्कुल कंपलसरी है। दूसरा है अगर नहीं भी होगा ऐसे तत्व तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्लासिफिकेशन में देखते हैं बिल्कुल एसेंशियल एलिमेंट्स, वे तत्व जो जैविक तंत्रों के लिए बहुत ही अनिवार्य है, कंपलसरी है, और इनकी उपस्थिति के आधार पर फिर से हम इसको दो भागों में बांटते हैं। एक तो हम कहते हैं स्थूल तत्व मीन्स मैक्रो एलिमेंट, और दूसरा है सूक्ष्म मीन्स माइक्रो एलिमेंट्स। मैक्रो एलिमेंट्स का मतलब क्या हुआ कि ऐसे तत्व जो संख्या में बहुत ज़्यादा होते हैं, हमारे शरीर में उपस्थित होते हैं, मात्रा इनकी ज़्यादा होती है। दूसरा माइक्रो, बहुत ही सूक्ष्म मात्रा की आवश्यकता होती है, जैसे हम कह रहे हैं कि 1 मिलीग्राम से अधिक मात्रा में होना ज़रूरी है, कौन से मैक्रो एलिमेंट्स। तो कौन कौन से हो सकते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सोडियम, पोटेशियम, इस तरह से। जबकि माइक्रो एलिमेंट्स बहुत ही कम जो है, एक तरह से नैनो इन ग्राम में इनकी मात्रा की आवश्यकता होती है, जैसे कॉपर, कई बार हम बोलते हैं डॉक्टर साहब की बॉडी में जिंक की कमी हो गई है, मॉलिब्डेनम, कोबाल्ट, इस तरह से। अब जो आवश्यक नहीं है एलिमेंट वो जैविक तंत्र में पाए तो जाते हैं लेकिन आवश्यकता शरीर को नहीं होती है, जैसे ब्रोमीन, बोरोन, सिलिकन, आर्सेनिक, निकल, ये एलिमेंट सारे नॉन इसेंशियल एलिमेंट्स में आते हैं। अब हमको यहाँ पे पढ़ना है कि जो हम धातु आयन की बात कर रहे हैं उनकी हमारी जैविक तंत्र में इम्पोर्टेंस क्या है, भूमिका क्या है, इनका एक रोल क्या है। तो जैव रसायन में धात्विक तत्व मेटल एंजाइम्स के रूप में अपनी भूमिका निभाते हैं। उदाहरण के तौर पे हम इसको पढ़ सकते हैं हीमोग्लोबिन, बिना हीमोग्लोबिन हमारा शरीर चल ही नहीं सकता, मायोग्लोबिन, साइटोक्रोम, फेरेडॉक्सिन, धातु संग्रह प्रोटीन, ये सारे मेटलो एंजाइम्स के रूप में अपनी भूमिका निभाते हैं। अब यहाँ पर एक आपको दिख रहा है टॉपिक एपो प्रोटीन, तो कुछ धात्विक प्रोटीन में से धातु आयनों को अलग करके पुनः वहीं स्थापित किया जा सकता है, इन्हें हम एपो प्रोटीन कहते हैं। अब हम आते हैं मेटलो बायोमोलिक्यूल्स पर, जिसको आप हिंदी में बोलते हो जैव धात्विक अणु। परिभाषा क्या है इसकी, वे प्राकृतिक उत्पाद जो एक या एक से अधिक धातु तत्वों को धारण करते हैं जैव धात्विक अणु कहलाते हैं। संकुल यौगिक के रूप में व्यस्त होते हैं और इनमें एक एक्टिव प्लेस जो है वो इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण में बाहर के अणुओं को बांधने में और उत्प्रेरण प्रक्रिया के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो ये तो परिभाषा हुई मेटलो बायोमोलिक्यूल्स की। अब इसमें हम पढ़ते हैं मेटलिक पोरफायरिन, एग्जाम्पल हम ले रहे हैं,
तो पॉरफायरिन क्या चीज़ है? ये एक ऐसा समूह है, काफ़ी इसकी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती है, जिसमें चार नाइट्रोजन परमाणुओं की वलय संरचना होती है, जिसमें एक धातु परमाणु समायोजित होकर के मेटलोपॉरफायरिन बनाता है। इनकी संरचना इस तरह से होती है कि ये इलेक्ट्रॉन और कई सरल अणुओं का स्थानांतरण एक रासायनिक या केमिकल स्पीशीज से दूसरी स्पीशीज को करने में कैपेबल होते हैं। अब इसमें एग्जाम्पल्स हम ले सकते हैं मेटलोपॉरफायरिन के, हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन एसेट्रा। अब हमारा जो कोर्स में टॉपिक है वो है अपना हीमोग्लोबिन। हम सब जानते हैं, चाहे वो बायो का स्टूडेंट हो या नॉर्मल स्टूडेंट हो, सबको पता है कि हीमोग्लोबिन क्या चीज़ है, लेकिन हम केमिस्ट्री के अंदर हम इसको थोड़ा सा डीप में पढ़ते हैं। जैसे कुछ टॉप पॉइंट्स में मैंने इसको आपको समराइज करके बताया है, ये एक रेड कलर का वर्णक है और प्रोटीन संयुग्मित है, जिसमें से 94% जो है ग्लोबिन से बनता है और प्रोस्थेटिक भाग हिम समूह से बनता है, जिसमें कि जो कि हम कहते हैं कि उसमें आयरन युक्त संकुल यौगिक उपस्थित है। तो हीमोग्लोबिन का जो प्रोटीन भाग है वो 94% ग्लोबिन से बना हुआ है, रिमेनिंग जो है वो आयरन से युक्त संकुल यौगिक होता है। उदासीन अणु हिम कहलाता है, जो उसको हम प्रोस्थेटिक भाग कह रहे हैं, उसमें आयरन की अवस्था जो होती है वो Fe+2 स्टेट में होती है, जबकि जब संकुल में अगर पाया जाता है तो वो होता है Fe+3, और जब Fe+3 में कन्वर्ट होता है तो हम इसको कहते हैं हीमिन। ये आपको एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि जब हीम में आयरन उपस्थित है तो वो है Fe+2, लेकिन Fe+3 कब होगा? जब कॉम्प्लेक्स बनेगा तब उसका नाम हीम नहीं होकर के हीमिन कहलाएगा। फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है इसका, मानव शरीर में लगभग 4 ग्राम Fe यानी आयरन होता है, जिसका 70% RBCs में लाल वर्णक के रूप में होता है और बाकी का जो है वो फेरिटिन के रूप में संचित रहता है। अब इसका काम क्या है? ये हम सबको पता, ऑक्सीजन लेके जाता है। मुख्य कार्य, लंग से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है और शरीर के विभिन्न भागों में जैसे ऊतक, अंग तक ये प्रवाहित करता है। दूसरा, ऑक्सीजन को ऑक्सीग्लोबिन अणु को स्थानांतरित करता है, ये हीमोग्लोबिन, और स्वयं ऑक्सीजन की जगह H2O से H+ आयन ले लेता है। इस प्रकार H+ युक्त हीमोग्लोबिन टिश्यूज़ में जाकर CO2 ग्रहण करेगा और ये फिर विघटित होता है HCO3 और H+ में। फोर्थ पॉइंट पे हम आते हैं, ये जो सॉल्यूबल बाइकार्बोनेट आयन आ रहा है हमारे पास HCO3-, ये ब्लड के थ्रू और H+ आयन जो है वो अपचयित हीमोग्लोबिन द्वारा हटा दिया जाता है। O2 वाहक के रूप में Hb यानी हीमोग्लोबिन की क्रिया रिवर्सिबल प्रोसेस होती है, यानी उत्क्रमणीय होती है। जैसे ये रिएक्शन आप देखो, इसमें हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया और ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना दिया। ऑक्सीजन के जुड़ते ही हीमोग्लोबिन को हम कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन, HbO2, एवं अपचयित रूप जो होता है इसका, आप कह सकते हो रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ द हीमोग्लोबिन इज नोन एज डी ऑक्सी हीमोग्लोबिन। संरचना पे हम आते हैं अब। इसमें हीमोग्लोबिन का अणुभार जो है वो होता है 65,000, जो कि चार को यूनिट से मिलकर के बना होता है। प्रत्येक इकाई में पोरफायरिन संकुल हीम युक्त होती है, जिसमें Fe+2 से बंधे चार नाइट्रोजन परमाणु और एक ग्लोबुलर प्रोटीन ग्लोबिन होती है। और स्ट्रक्चर में इस तरीके से हम अल्फा और बीटा यूनिट में डिवाइड करते हैं, तो अल्फा यूनिट में तो 141 और बीटा यूनिट में 146 अमीनो एसिड्स होते हैं। आप सबको पता है कि प्रोटीन का जो बेसिक यूनिट है वो है अमीनो अम्ल, और इस तरह से ये दोनों यूनिट मिलकर के ग्लोबिन का निर्माण करती है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन में Fe+2 प्रतिचुंबकीय प्रकृति का होता है, जबकि अपचयित अवस्था के अंदर ये अनुचुंबकीय प्रवृत्ति का होगा। अब है इसमें मायोग्लोबिन के बारे में पढ़ते हम। ये बहुत ही महत्वपूर्ण हीम प्रोटीन है, जो मुख्य रूप से पेशियों में ऑक्सीजन को संचित करने का कार्य करता है, और अणुभार करीब 17,000 के आसपास, और हीमोग्लोबिन की अपेक्षा ऑक्सीजन को दृढ़ता से बांधता है। बाइंडिंग कैपेसिटीज की काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है कंपैरेटिवली हीमोग्लोबिन। और पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होती है, और इसमें 150 से 160 अमीनो एसिड्स सुप ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। अब इसका कार्य क्या है? सबसे पहले ये क्या करता है, हीमोग्लोबिन लंग्स से O2 लेकर HbO2 बनाता है, ये अपन ने जस्ट पहले देखा ही है। रक्त के साथ HbO2 शरीर की कोशिकाओं, ऊतक तक जाता है और इस प्रकार अपनी O2 को ये मायोग्लोबिन को दे देता है कोशिकाओं। उसमें मायोग्लोबिन क्या करेगा,
ऑक्सीजन को संचित करेगा, मीन्स स्टोर करता है, और जब कभी भी उस कोशिका को जरूरत पड़ती है ऑक्सीजन की तो मायोग्लोबिन उसे अवेलेबल कराता है। तो एक तरह से स्टोरेज का काम करता है ऑक्सीजन का। तो एग्जाम में भी कभी पूछे आपसे कि मायोग्लोबिन का मेन फंक्शन क्या है, तो O2 को स्टोर करना, और जब जरूरत होती है सेल को तो वो उसे उपलब्ध कराता है। हीमोग्लोबिन अमीनो अम्ल के साथ कोशिकाओं में उपापचय क्रियाओं के दौरान उत्पन्न CO2 गैस को अवशोषित करके ब्लड सर्कुलेशन के साथ लंग्स तक पहुंचता है। इस तरह से हम देख सकते हैं कि आंशिक दाब में जब अंतर आ जाता है तो CO2 गैस जो है वो HB यानी हीमोग्लोबिन से मुक्त हो जाती है, और वहाँ ऑक्सीजन होने से वापस से ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। इस प्रकार ये पूरा एक चक्र चलता रहता है। यानी शुद्ध रक्त जो है वो हमारे ब्लड में हर टिश्यू ऑर्गन सेल में पहुँचता है, और डीऑक्सीजनेटेड जो हमारा ब्लड है यानी हम जिसको हम कहते हैं कि अशुद्ध रक्त, वो भी वहाँ से हटता है, तो CO2 मुक्त हो जाता है HB। तीसरे पॉइंट पे हम बात आते हैं साइटोक्रोम। साइटोक्रोम भी एक इलेक्ट्रॉन वाहक का कार्य करता है जो हीम प्रोटीन है, और ये अपने से अच्छा अपचायक पदार्थ अगर होगा तो उसे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। इसमें श्रृंखला में इसमें एक तरफ नाइट्रोजन परमाणु और दूसरी तरफ यहाँ पर सल्फर परमाणु कोऑर्डिनेटेड होते हैं। कार्य इसका क्या है कि यह कोशिकाओं में जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसमें आणविक O2 के द्वारा ग्लूकोज को ऑक्सीकृत करके ऊर्जा को मुक्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और ये जो फ्री एनर्जी है ये ATP के रूप में यहाँ पर संचित होती है। और मुख्य रूप से हम क्या कह रहे हैं कि ये साइटोक्रोम जो है इसमें आयरन परमाणु Fe+2 और Fe+3 दोनों ऑक्सीकरण अवस्थाओं के बीच परिवर्तित होता रहता है, जिससे क्या होगा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर यहाँ पर होता रहता है। अब बच्चों आप सबने सुना होगा कैल्शियम, हमने अभी आयरन के बारे में बात करी, तो अब कैल्शियम क्या है सब जानते हैं हम, मौन हमारी बनती है इससे। तो शरीर में कैल्शियम धातु जो उपस्थित होती है वो सेल वॉल बॉन्स और शेल के रूप में है, और इसके बाहर का कोशिका के बाहर का जो साइटोप्लाज्म है जीव द्रव्य है उसमें आयनिक संतुलन के लिए यहाँ पर सोडियम आयन और हमारा कैल्शियम आयन ये दोनों ही रोल निभाते हैं। कैल्शियम आयन जो है वो हमारा वो धातु संरचना की सह इकाइयों मतलब उसको जो कॉपरेट करने वाली यूनिट है उसको जोड़ने में हेल्प करता है। ये भी हम जानते हैं कि अगर कैल्शियम की कमी हो गई तो हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, डॉक्टर भी हमको ये कहता है कि आपकी बोन्स वीक हो रही हैं तो कैल्शियम की कमी हो रही है। इसके अलावा क्या काम है इसका, हृदय स्पंदन यानी हार्ट बीट जो है हमारा हार्ट की जो पंपिंग हो रही है उसको सही रखने के लिए कैल्शियम+2 बहुत ही ज़रूरी है। यह फाइब्रोनिजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करता है। तो ये छोटे छोटे जो लाइन्स आ रही है उसको आपने ध्यान रखनी है कि कई बार ये एग्जाम में भी आ जाती है। भौतिक गति नियंत्रण में भी कैल्शियम+2 ज़रूरी है। दूसरा प्रोटीन की संरचना के यहाँ पर स्थायीकरण के लिए ज़रूरी है, और बहुत सारी ग्रंथियों की पेशियों को ये भी ये हार्मोन्स रिलीज करने में मदद करता है। दूसरा क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ब्लड का जो थक्का बनता है रक्त का वो साथ ही साथ हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसकी एक्टिविटी प्रॉपर हो उसके लिए भी कैल्शियम बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसी तरह से हम बात करते हैं मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम जो है हम देखते हैं कि प्लांट सिंथेसिस में हम देखते हैं अपने इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पादपों में उपस्थित क्लोरोफिल मैग्नीशियम धातु का ही एक संकुल लवण है, जैसे हम यहाँ पर एक रिएक्शन भी आप देख सकते हो यहाँ पर कि यहाँ पर CO2 है, वाटर है, क्लोरोफिल मिलकर के यहाँ पे भोजन बन रहा है, ग्लूकोज बन रहा है। क्लोरोफिल में उपस्थित मैग्नीशियम धातु की भूमिका दोहरी होती है, क्योंकि ये क्या करता है उसको एक स्ट्रॉन्ग बनाता है और ताकि वो टूटता नहीं है टेम्परेचर के थ्रू। रिडक्स अभिक्रिया के लिए यहाँ पर अवशोषण की दर में भी ये वृद्धि करता है, यानी ऊर्जा जो है वो अवशोषित कम से कम हो। क्लोरोफिल पिगमेंट को यहाँ पर दो भागों में बांट रखा है, तो क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। तीसरा इसका जो काम है वो क्या है, कोशिकाओं के जीव द्रव्य में उपस्थित पोटेशियम आयनों के साथ आयन संतुलन बनाने का महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। ये ATP अणुओं के साथ संकुलन कर कई एंजाइम अभिक्रिया को भी संपन्न कराते हैं। तो इस तरह से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मैग्नीशियम आयन। अब हम बात करते हैं सोडियम और पोटेशियम की। ये दोनों ही धातु जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन और ब्लड की जो विस्कोसिटी उसको बनाए रखने का काम करता है। इसके साथ ही क्या काम करेगा, प्रसरण दाब संतुलन, तंत्रिकाओं की संवेदनशीलता, पेशियों पर नियंत्रण, ऐसे कार्य जैविक कार्य करने में भी ये सहायक है। वर्टिब्रेट्स के जो ब्लड प्लाज्मा है उसमें सोडियम प्लस
साइटोप्लाज्म में के प्लस मुख्य अंतर्नायन होता है। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर आपको दिखेगी, एक तो है इसमें पोरफायरिन मॉलिक्यूल्स, हीम बी, और ये जिस तरह से साइटोक्रोम की स्ट्रक्चर है, ये कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आता है बच्चों स्ट्रक्चर को लेकर के। तो आपको ये स्ट्रक्चर जो मैंने दे रखी है, ये आपको स्ट्रक्चर अच्छे से ध्यान में रखनी है। आप प्रैक्टिस करोगे, एक दो बार याद करोगे तो याद हो जाएगा। तो थर्ड यूनिट का जो पार्ट था अपना बायोइनॉर्गेनिक, या हम कह सकते हैं जैव कार्बनिक रसायन, ये अपना कंप्लीट हो गया है। इसके बाकी के दो जो टॉपिक हैं वो अपन जल्दी कंप्लीट करेंगे। थैंक यू बच्चों।